गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं मोनल सिकरवार एक बार पुनः आपके सामने ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक है निहारिका, और आज हम इसका लेसन 20 पार्ट 20 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 20 है आपका गुब्बारे में चीता। ये मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार यानी मतलब उसका जो एड था वो बहुत ही आकर्षक था, तो उसमें देख कर ही जो बच्चे थे बॉयज़ वो सब देखने के लिए, सर्कस देखने के लिए ललचा रहे थे। आ गया है जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतज़ार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। ये जो एक गाड़ी चलती ना, अनाउंसमेंट करती जाती है किसी भी चीज़ का ऐड जब होता है, तो वो सर्कस का इसमें ऐसा ऐड कर रहे थे। हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने की मनाही कर दी थी। हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने बॉयज़ को मना करा था कि वहाँ नहीं जाना है, मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले, जानवरों की चर्चा कर रहे थे, और शेर बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा, पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होते होंगे, इतना बड़ा छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा, ऐसे प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। क्लास में मतलब वो पढ़ा ही नहीं कर रहे थे, वो सब क्या कर रहे थे, ऐसी बुक में जानवर वगैरह ये सब देख रहे थे और तरह तरह के सवाल एक दूसरे से कर रहे थे। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता हो तो कैसा मज़ा आता। मतलब उसके मन में ऐसा विचार आ रहा था कि काश कल संडे होता तो मज़ा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊँगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। ऐसा बलदेव ने डिसीज़न लिया। अन्य लड़के इतने साहसी नहीं थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव जब अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा ज़िद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहाँ पहुँचते ही उसने एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने भीतर पहुँच गया। वहाँ जानवरों को देखकर बलदेव का मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है जैसे महीनों से उसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह बड़ा भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और वह सुंदरवन का बाघ है जैसे किसी ने इसका नाखून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर, और वह भी काना जैसे मौत के चुंगल से निकल के भागो। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है और यह एक तीन टांग का कुत्ता भी है। मतलब कि सभी जानवरों में कुछ ना कुछ खामी देखकर वो ऐसा सोच रहा था। मन ही मन सोचा, इनकी एक टांग किसने काट ली। मतलब वो कुत्ता जो तीन टांग का था, उसने ऐसा सोचा कि इसकी एक टांग किसने काट दी। दुम कटे कुत्ते को कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और यह दौड़ेगा कैसे, यह सोचकर बलदेव बड़े ज़ोर से हंसा। बलदेव को अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। मतलब नाहक मतलब ऐसे ही आ गया बेकार में, नाहक यानी बेकार में। एक आने पैसे भी गए, ऐसे जानवरों को तो मैं सेंत मेत में भी ना देखता। मतलब मैं ऐसे जानवर को तो ये नॉर्मल भी मुझे दिख जाते तो भी मैं नहीं देखता। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, चार आने में आसमान की सैर करो। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वहीं चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ चला आ रहा था।
बलदेव जान बचाकर भागा। मतलब उस सर्कस में जो चीता था वो पिंजरे में से निकल के भागने लगा और उसी की तरफ आ रहा था, तो बलदेव भी अपनी जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ, उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को ही अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर ही चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया, मतलब जो गुब्बारा पकड़े हुआ था वह रस्सी छोड़कर भाग गया। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए गुब्बारे में बैठ के, मतलब दोनों उड़ने लगे। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर चीते से बचने के उपाय बताने लगे, किसको? बलदेव को। मगर बलदेव के तो होश ही उड़ गए थे कि एक चीता है भाई, उसके साथ सफ़र करना कितना मुश्किल होगा। उसकी समझ में कोई बात ना आई। जो जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था बलदेव के प्राण सूखते जाते थे। मतलब कि जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जा रहा था बलदेव की सांस फूलती जा रही थी कि अब मुझे कौन बचाएगा, ये गुब्बारा तो ऊपर की ओर और उड़ता जा रहा, अब ऊपर तो बचाने कोई आएगा नहीं, है ना। चीता तो उस बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मतलब खा जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी थी। सारा चीतापन भूल गया, मतलब अपनी सारी बहादुरी भूल गया। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। मतलब वो इधर उधर करके ऐसा घबरा गया कि वो नीचे ही गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई, वो तो होना ही था। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जा रहा है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था, मतलब जो घंटा घर होता ना जैसे अपने अभी है, उसकी मीनार इतनी ऊंचाई पर चढ़ा था, ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने जैसे लग रहे थे और घरों दो जैसे लग रहे थे, मतलब छोटे छोटे लग रहे थे। मगर इस वक्त वह उससे भी कई गुना ऊंचाई पर था, गुब्बारा उसको और भी ऊँचा ले गया था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए, है ना। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया, गुब्बारे का मुंह खोल दिया तो हवा क्या बहुत तेज़ी से निकलने लगी, तो गुब्बारा बड़े वेग से नीचे आने लगा। वेग यानी रफ्तार से, बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा। जब तक वह ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रही थी, दरिया ने एक नदी बह रही थी। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल गया। उसने क्या करा, उसने सोचा रस्सी छोड़ दो, अब ये गुब्बारे में फंसने से कोई मतलब नहीं है, अब इस नदी में कूद जाते हैं क्योंकि तैरना आता है तो तैरकर निकल जाएंगे ऐसा। तो देखिए बच्चों, ये थी गुब्बारे की कहानी। जो बलदेव था बिना बोले सर के मना करने पर भी इस अपने स्पोर्ट्स का पीरियड छोड़कर और वहाँ आता है, तो कितनी मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ता है ना। और अब ये हमारा पार्ट आज यहीं समाप्त होता है। मैं अगले आपको वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज, मतलब प्रश्न उत्तर और बाकी का व्याकरण का अभ्यास करवाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ में। Thank you.